इंदौर में आज संभागीय स्तर के दो दिवसीय गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी और डीएवीवी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन भी शामिल हुई। देखिए खास रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 4 स्तरीय है। पहला चरण ब्लॉक स्तर का, दूसरा चरण जिला स्तर, तीसरा चरण संभाग स्तर और चौथा चरण राज्य स्तर का है। इंदौर में इस प्रतियोगिता के संभाग स्तर के 4 चरण का आयोजन किया जा रहा है जो 2 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रांतीय ओलंपिक का आयोजन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मनुष्य के जीवन में खेल के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में स्वास्थ्य को अहम स्थान दिया गया है। खेल मंत्री ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा, शरीर अच्छा, उसका मन अच्छा और मानस अच्छा। डीएवीवी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रतिभागियों को खेल भावना से खेलने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने खेल मंत्री जीतू पटवारी के खेल के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को सराहा। वहीं जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा ने बताया कि वर्तमान में खेल अब सुनहरे भविष्य के विकल्प के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने खेल मंत्री जीतू पटवारी द्वारा की जाने वाली साइकिलिंग की तारीफ करते हुए कहा कि आज के दौर में ऐसे नेता विरले ही मिलते हैं। बड़ा ही ओजस्वी और एनर्जेटिक भाषण दिया है कि हम धूप से नहीं डरेंगे और हम बिल्कुल आपकी आशाओं के कहते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा भाव है, एक खेल एक ऐसा भाव है जो इस परिवार के एक एक परिवार जन को आत्मसात करना चाहिए। जब वो स्पोर्ट्स को आत्मसात करता है तो अपना, अपने शरीर का, अपने परिवार का तो सहयोग करता ही है, खुद स्वस्थ रहता है। तो हमारे भारतीय परंपराओं में एक मान्यता है कि जिसका शरीर अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, उसका मन अच्छा, उसका मानस अच्छा। और सबसे बड़ी पूंजी हर धर्म में अपने स्वास्थ्य को दी गई है, तो जीवन भर स्पोर्ट्स इस स्पिरिट को हमारे अंदर जीवित रखता है। परिवार का इसलिए कि आप जब स्वस्थ रहोगे तो बीमारी पे आपका पैसा कम खर्च होगा, इसलिए सरकार का, प्रदेश का और देश का भी आप एक तरह से सेवा करोगे, देशभक्ति के भाव भी आप में रहेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यह संभागीय गुरु नानक देव जी के नाम से संभागीय टूर्नामेंट जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, फिर जिले पे, फिर संभाग पे, फिर राज्य पे कराने की कोशिश की, जिसको प्रांतीय ओलंपिक का नाम दिया गया। ये पहली बार हुआ, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। और इसलिए हुआ कि एक शिकायत कि ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी अंचल में बच्चों में प्रतिभा होती है पर उनको स्टेज नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता, कोई देखने वाला नहीं है। तो मध्य प्रदेश की सरकार और खासकर कमलनाथ जी ने निर्णय लिया
कि कम से कम उन प्रतिभाओं को हम खोजें और उसका माध्यम ये प्रांतीय ओलंपिक बने। खेल को जब भी हम शिक्षा में देखते हैं, मैं खुद के आपको पर्सनल एक्सपीरियंस एक चीज़ बताऊंगी कि जब भी हम छोटे थे एजुकेट कर स्कूल के जो डेज चलते थे तो उसमें हमेशा ये होता था कि पढ़ाई पे ज़्यादा दो, पढ़ाई पे जान दो, लेकिन हम एक चीज़ ये भूल जाते थे कि खेल भी एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है जो सबके लिए अवेलेबल है और अब वो फ्लरिश भी हो रहा है। और उसके लिए एक बहुत बड़े उदाहरण हमारे सामने हमारे खुद के मंत्री जी भी उपस्थित हैं जो कि सभी को इस चीज़ में प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, खुद उदाहरण के बतौर सबके सामने आते हैं। हमने पहले एक साइकिल रैली का जब आयोजन किया था तो उसमें मोस्टली ऐसा होता था कि हम लोग बस एक सिंबॉलिकली आ जाते थे, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि किसी मिनिस्टर द्वारा स्वयं साइकिल चलाई गई थी वो 10 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो। तो जब भी हम किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, तो उसको खुद भी आपको जीना पड़ता है। मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि उनका प्रयास देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स विभाग को देश का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाने का है, इसके लिए उनकी कोशिशें जारी हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे संभाग से करीब 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें से 218 खिलाड़ियों का अगले चरण के लिए चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक अपना वचन दिया था उस पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश की वो प्रतिभाएं जिनका कोई देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला नहीं, उसका समझने वाला सरकार का दायित्व है, पूर्ण रूप से निभे। हमने प्रांतीय ओलंपिक गुरु नानक देव जी के नाम से चालू किए और संभागीय अलग अलग संभागों के टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। मैं तीसरी जगह जो ग्वालियर के बाद या इंदौर इस संभागीय टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र में आया हूँ और मैं मानता हूँ कि 15 से लेकर 25 तक जब राज्य स्तर के टूर्नामेंट होंगे, जब प्रतिभाएं चयन होकर राज्य पे जाएगी और उसी में से फिर एकेडमी के चयन होंगे, ये पारदर्शिता कमलनाथ जी के सोच और विचार का नतीजा था जो होने लगी और स्पोर्ट्स का एक तरह से वातावरण बनने लगा। हमारा प्रयास है कि हर परिवार का बेटा, पिता का मानस, माता पिता का मानस और बच्चे अपना करियर स्पोर्ट्स में कैसे देखें, उस दिन हम पास होंगे और हमारे प्रयास जारी है। देखिए, इसका नाम है गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता। इसमें चार चरण में ये विभाजित है। पहला चरण है जो कि ब्लॉक स्तर पे जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें से जो चयनित विद्यार्थी थे उनका फिर जिला स्तर पे हुआ था और जिला स्तर के बाद अब वो संभाग स्तर पे आए हैं। संभाग स्तर में करीबन इंदौर संभाग से 218 बालक बालिकाएं, जिसमें से 109 बालिकाएं होंगे और 109 बालक होंगे, उनका चयन होगा और फिर वो राज्य स्तर पे जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें कम्पीट करने जाएंगे। इसमें मुख्यतः कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स एंड कुश्ती, ये सारे गेम्स हैं और इसमें इस बार 2 दिन का हो रहा है इंदौर में, आज का और कल का, 8 तारीख का और 9 तारीख का। और ये जो सारे के सारे सेशंस होने वाले हैं नॉकआउट सेशंस हैं। नॉकआउट सेशन से तात्पर्य यह है कि जैसे ही दोनों में कम्पीट हुआ, जो हारा वो तत्काल से फिर अपने लिए रवाना हो जाएगा, फिर वो दूसरी वाली टीम के साथ कम्पीट करेगा। इसी तरीके से आज पूरा डिसाइड हो जाएगा कि जो जो गेम्स आज होने वाले हैं उसमें से कितनी टीम्स हैं वो कि राज्य स्तर पर जाने वाली हैं। करीबन पूरे संभाग से 1500 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है और 1500 में से 218 जाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है जो चयन प्रोसेस होगा। लेकिन ये बच्चे मंच के निकले हैं और एक बात है कि सारे के सारे ग्रामीण अंचल से निकल के आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हर्ष की बात है। प्रदेश सरकार का यह आयोजन वास्तव में प्रशंसनीय है। ऐसे आयोजनों से दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे प्रतिभाओं को अपना जौहर दिखाने का मौका मिलता है, जो आगे जाकर बड़े बड़े आयोजन में देश प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, इंदौर।